हाय गाइस, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ द टॉप फाइव मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया। एंड आज हम लोग बात करने वाले अबाउट द सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया, जो कि एक्चुअली मुंबई में है। एंड इस जगह का नाम है आरे कॉलोनी। गाइस, मैं बचपन से मुंबई में रहता हूँ एंड शायद मैं बचपन से ही ये सुन रहा हूँ कि आरे कॉलोनी में कभी नहीं जाना, कभी नहीं। जिन लोगों को नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूँ कि आरे कॉलोनी गोरेगांव यानी मुंबई के गोरेगांव के ऑपोजिट साइड में आता है। एंड ये सिर्फ एक घना जंगल है, सिर्फ एक घना जंगल जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क से कनेक्टेड है, वो जो हमारे मुंबई का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एंड हमारे मुंबई का ओनली फॉरेस्ट है। एक्चुअली ये जो आरे फॉरेस्ट है, ये जो आरे कॉलोनी है, ये कनेक्ट करता है मुंबई को पवई से। गोरेगांव से पवई तक लोग जाते रहते हैं एंड हर रोज सुबह दोपहर शाम यहाँ पे हजारों लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन रात को बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम। उसके पीछे की कहानी क्या है वो आज मैं आपको बताऊंगा। गाइस, आरे कॉलोनी मुंबई की सबसे खूबसूरत जगहों में शायद से टॉप फाइव में आती होगी, क्योंकि ये लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे लेक्स है, यहाँ पे अच्छे पार्क्स थे, यहाँ पे कपल्स आते हैं इंजॉय करने के लिए, यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज भी आया करती थी यहाँ के कुछ पार्क्स में, लेकिन आया करती थी एक समय में, आज नहीं होता वो। लेकिन ये जिस जगह पे ये लोग आते जाते रहते हैं वगैरह, वो सिर्फ आरे कॉलोनी का, इस आरे फॉरेस्ट का 10% है। बाकी का 90% घने जंगल और सुनसान रास्तों से घिरा हुआ है। एंड गाइस, ना जाने इन घने जंगलों में, इन सुनसान रास्तों में ऐसे कौन से राज दफन है, मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। तो मैं इस बार स्पेशली आरे कॉलोनी में जाकर ये सारी कहानियों को खोज के लाया हूं और आज आप सबके सामने उसे प्रेजेंट करूंगा, सारी हॉरर स्टोरीज को आपको बताऊंगा। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। तो गाइज, हम 24 फरवरी 2024 में आरे कॉलोनी में गए, मैं और मेरे कुछ दोस्त लोग। हम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे इतनी सारी अफवाह, इतने सारे रूमर्स, शायद से इतनी सारी कहानियां कि आरे कॉलोनी में बहुत सारे मर्डर्स होते हैं। एंड जो सबसे ज्यादा सुना था वो तो यही था कि आरे कॉलोनी में हर रात को बहुत सी आत्माएं आती है भटकने। तो हमें शुरुआत से क्यूरियोसिटी हुई, हम वहां पे गए एंड वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो हमने सोचा हम इनसे ही पूछते हैं। आरे कॉलोनी बहुत बड़ा है, वहाँ पे एक्चुअल में लोग रहते हैं, उनके अलग अलग, कुछ लोग झोपड़ों में रहते हैं, जो छोटे छोटे घर होते हैं उसमें रहते हैं, कुछ लोग बिल्डिंग्स में भी रहते हैं, लेकिन हर किसी ने कभी ना कभी ये सारी चीज़ें फेस करी है। सो गाइस, पता करते करते हमें वहाँ पे दो लोग मिले और उनसे जुड़ी दो भयानक कहानियाँ भी। जो सबसे पहले हमें मिले थे, उस औरत का नाम था शफीना, जो कि आरे कॉलोनी में पिछले 25 साल से रह रही है, इतने समय से। उनके माँ बाप भी आरे कॉलोनी में ही थे, मतलब उनकी जो पूरी फैमिली है वो आरे कॉलोनी में ही रहती है। तो ये जो पहली कहानी होने वाली है वो शफीना के बारे में ही होने वाली है। एंड गाइस, क्योंकि शफीना एक बहुत गरीब घर से आती थी तो वो एक नौकरी किया करती थी, एक डेयरी फार्म में नौकरी किया करती थी, दूध वगैरह निकालने का, साफ सफाई करने का, दूध बेचने का वगैरह। एंड ये साल 2013 की बात थी जब शफीना ऑफकोर्स वहाँ पे काम कर रही थी एंड बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस समय मुंबई में, एंड आरे कॉलोनी में भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी उस समय। एंड शाम का समय हो रहा था, शफीना के निकलने का समय हो रहा था, कुछ 6-7 बज रहे थे, 7 बज रहे थे एक्चुअली। एंड शफीना ने सोचा कि शायद से कुछ देर में बारिश कम हो जाएगी, उस समय मैं निकल जाऊँगी, अभी निकलना थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि वो भीग सकती थी बुरी तरीके से, क्योंकि उसका घर भी बहुत दूर हुआ करता था। उसने बहुत इंतज़ार किया लेकिन बारिश कम नहीं हो रही थी। इंतज़ार करते करते रात के 9 बज गए, बारिश कम नहीं हुई। उसने सोचा चलो छोड़ो, भीग जाऊंगी थोड़ा लेकिन घर तो एटलीस्ट टाइम से पहुंच जाऊं। फिर वो उसी बारिश में बाहर निकल गए। जब शफीना उस डेयरी फार्म से बाहर निकल रही थी तो एक बार उसे एक थॉट तो आया था कि आरे कॉलोनी के बारे में उसने भी बचपन से बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं एंड अभी वो इसी रात के अंधेरे में, इतनी तेज़ बरसात में
बाहर निकलने चली थी। एंड जैसे ही वो उस रास्ते पे आई थी, उसने देखा कि रास्ता बहुत सुनसान है। जो उसे पिछले समय में एक दो गाड़ियां दिखती थी हर रोज, वो भी नहीं दिख रही थी। रास्ता पूरा सुनसान था, कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। बस वो उस रास्ते पे चले जा रही थी। एंड वो रास्ता ऐसा था कि एक सीधा रास्ता है एंड आसपास सिर्फ और सिर्फ घना जंगल है। एंड कुछ देर बाद उसने एक चीज़ नोटिस करी कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है। शायद से बारिश इतनी तेज़ हो रही है, इसके वजह से उसका दिमाग भी नहीं चल रहा था। रास्ते में बहुत ज़्यादा धुंध आ गई थी, इतनी ठंड हो गई थी वहाँ पे। इन अचानक से उसने देखा कि एकदम दूर एक आदमी खड़ा है जो कि हिल रहा था बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एंड ये बहुत लंबा आदमी था गाइस। फिर शफीना उसके थोड़े करीब गई, उसे लगा कि ये आदमी कुछ तकलीफ में है। वो उसके करीब गई एंड उसने देखा कि इस आदमी का सर कटा हुआ है, उसके गले से खून निकल रहा था। ये किसी भी तरीके से एक इंसान नहीं नजर आ रहा था। तो उस समय शफीना ने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने घर के तरफ भागी। एंड वो जब भाग रही थी, उसने देखा कि उसके पीछे वही आदमी दौड़ रहा था। वो भागते भागते कैसे कैसे करके अपने घर तक पहुंची। उसने दरवाजा ठकठकाया एंड अंदर जाके सब चीजें बोल दी कि मेरे पीछे एक आदमी भाग रहा था जिसका सर कटा हुआ था, पूरा खून में लथपथ था वो इंसान। एंड फिर जैसे ये सारी बातें शफीना ने अपने माँ बाप को बताई, अपने घर वालों को बताई, तो शफीना के जो पिता थे वो थोड़े से लाइक गुस्से में आ गए थे कि ये आदमी कौन है, लाइक इतना गंदा मजाक कौन कर सकता है, वो भी इतने रात को। फिर उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा कि आप भी चलो। तो वो दोनों आर्य कॉलोनी के उस जगह पे चले गए, उस रास्ते पे चले गए जहाँ पे ये हादसा हुआ था। 16 नंबर का रोड था ये। वो लोग वहाँ पे पहुँचे एंड देखा तो वाकई में ये पूरा रास्ता सुनसान था, कोई भी नहीं दिख रहा था। और उन्हें ऐसा लगा कि शायद से शफीना को कोई गलत फहमी हुई रहेगी। फिर वो लोग ने देखा कि अभी यहाँ पे है ही नहीं कोई, तो घर जाना ही ज़्यादा बेहतर होगा। वो लोग घर जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े, उनके ठीक सामने वही सर कटा हुआ आदमी खड़ा था एकदम करीब। ये दोनों ही वहां से डर के भाग निकले। एंड क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे, तो फिर ये लोग अपना घर भी चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके मन में सबसे पहला ख्याल यही आया था कि ऐसी जगह पे रहना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग घर नहीं बदल पाए, लेकिन उन्होंने अपना वक्त बदल दिया कि हम जो भी काम करेंगे शाम तक करेंगे एंड शाम में घर वापस लौट आएंगे, किसी भी हालत में हम लोग देर रात तक बाहर नहीं रहेंगे। अब ये दूसरी कहानी हम शुरू करते हैं। ये दूसरी कहानी हमें सुनाई थी दिनेश शिंदे ने, जो कि अभी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग है, लेकिन आर्य कॉलोनी में पिछले कई सालों से एक किराने की दुकान चला रहे थे। ये कहानी उनकी है। दिनेश शिंदे की जो दुकान थी, वो दुकान और उनका घर एक ही था, मतलब ये अपने घर के अंदर से ही अपने किराने की दुकान चलाते थे। तो वो ऐसा करते थे कि वो रात को देर रात तक, मतलब 1-2 बजे तक अपनी दुकान खोले रखते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि शायद से पूरे आर्य कॉलोनी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि अपनी दुकान इतने रात तक खोल के रखे, तो हम वो सर्विस देना चाहेंगे लोगों को। और उनके लिए काफ़ी आसान था क्योंकि उनके घर के अंदर ही थी उनकी दुकान, तो उनके लिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मुझे देर रात तक बाहर से आना पड़ेगा घर पे, तो ऐसा कुछ डर वगैरह का माहौल था, ऐसा कुछ नहीं था, उनके लिए बहुत ज़्यादा ईजी था। जब हम दिनेश के साथ बात कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने हमें एक बात कही थी कि पिछले 10 साल से हम ये दुकान चला रहे हैं, पिछले 10 साल से हमने ये दुकान को आधी रात तक खोला रखा था, लेकिन कुछ हमारे साथ ऐसा हादसा हुआ जिसके वजह से हमें ये दुकान अभी टोटली बंद करनी पड़ गई, क्योंकि अभी हमें हमारे बीवी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जो हादसा हमारे साथ हुआ था वो अगर किसी और के साथ होता तो वो आर्य छोड़ के कब का भाग जाता था। सो गाइस, ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि दिनेश एक बार रात को 10 बजे अपने किराने की दुकान पे बैठा हुआ था एंड वो
मैच देख रहा था टीवी पे, एंड अचानक से उसको कहीं दूर से ही आवाज आई कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना दे दो। एंड वो अचानक से बाहर देखा, बाहर उसे कोई दिख नहीं रहा था इतना, फिर उसने अवॉइड किया। उसने बोले कि शायद से होगा कोई ऐसा भिखारी होगा या फिर कोई फकीर होगा, उसने अवॉइड किया। एंड गाइस ये पहली बार नहीं हो रहा था, ये 2-3 बार हो रहा था, लाइक बार बार होता रहता था, लेकिन उसको कभी कोई दिखता ही नहीं था कि ये कौन है, ये कोई फकीर है, ये कोई भिखारी है, उसे कोई नहीं दिखता था। बस ये आवाज़ आ जाती थी उसे कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मैंने बड़े दिनों से कुछ नहीं खाया है। एंड ये किसी बूढ़े आदमी की आवाज़ लगती थी उसे, लेकिन उसे कोई दिखता ही नहीं था, फिर वो खरता क्या था। लेकिन गाइस अभी ये जो हादसा था कुछ 1 महीने के लिए टल गया था, ये नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। एंड वापस से दिनेश अपने घर पे ही था, वो उस किराने की दुकान में, एंड वो बस अपना शटर बंद कर रहा था। रात के कुछ 2 बज रहे थे, वो अपना शटर बंद कर रहा था, उसी समय उसको वापस से यही आवाज़ सुनाई दी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, बड़े समय से मैंने कुछ नहीं खाया है। इस बार उसने बोला कि हद हो गई है। वो गया अपने किचन में, जो भी खाना था उसने एक टिफिन में डाला, एंड वो बाहर गया, एंड बाहर जाके उसने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, लेकिन उसने देखा कि उसके घर के कोने से कोई तो उसे झांक के देख रहा है। वो उसके पास जाने की कोशिश करी तो देखा कि वाकई में ये एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन ये आदमी के आप आर पार देख सकते थे, धुंधला आदमी दिख रहा था एकदम, इंसानों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। इस आदमी को देख के दिनेश के हाथ से वो टिफिन बॉक्स नीचे गिर गया, एंड वो जल्दी से अपने घर के अंदर भागा। एंड जब वो घर के अंदर गया तो कुछ समय के लिए वो ये सब कुछ भूल गया, एंड वो जाके अपने बिस्तर पे लेट गया उसकी उसकी पत्नी के बाजू में। फिर वो रात भर बस यही चीज़ सोच रहा था कि ये आदमी था कौन, ये बूढ़ा बुजुर्ग था कौन जो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहा था, ये किसी भूत या किसी आत्मा के जैसे दिखाई दे रहा था। ये जंगल का इलाका है, शायद से ये सारी चीज़ें होती होगी यहाँ पे, उसने ऐसा सोचा। एंड दिनेश उस वक्त कुछ 50 साल का था, वो भी थोड़े एज वाले ही थे, तो उन्हें इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एंड वो सोचते सोचते बस सोने ही लग रहे थे कि उन्होंने अचानक से देखा कि उनके खिड़की के पास किसी ने तो नॉक किया। एंड ये कोई और नहीं है, वही बूढ़ा आदमी था जो वहाँ पर खड़े होके वापस से खाना मांग रहा था। एंड दिनेश शॉक हो गया, उसने अपने पत्नी को हिलाया एंड उसे बोला देखो ये कौन है। फिर उसने कहा अरे मैंने तो इसे आज शाम को ही खाना खिलाया, कि वापस आ गया खाना मांगने। एंड इस वक्त दिनेश एकदम सुन पड़ गया था कि मैंने अभी इसे रात को खाना दिया है, तूने इसे शाम को खाना दिया है, ये कैसे हो सकता है। फिर देखते ही देखते कुछ दिनों में बातें समझ में आने लगी कि कई सालों पहले इनके घर के पास एक बूढ़ा बुजुर्ग आके मर गया था, क्योंकि उसके लड़के ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वो हर जगह जा जाके आधी रात को खाना मांगता था। सो गाइस, क्योंकि उस बूढ़े बुजुर्ग की जो मौत है वो इनके घर के पास ही हुई थी, तो उसकी जो रूह थी वो यहीं पे अटक गई थी। वो इस घर में आखिरी बार खाना मांगने ही आ रहा था, लेकिन उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। एंड उस समय ये घर वाले वहाँ पे नहीं रहते थे, इसलिए उन्हें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन क्योंकि उसकी रूह वहाँ पे अटकी है तो वो हर रात को आता है वहाँ पे भीख मांगने को, खाने की। रात में दिनेश से मांगता था, दोपहर में उसकी बीवी से, लेकिन कभी भी पता नहीं चल पाता था कि ये लोग खाना दे किसे रहे हैं, जो कि असल में एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी, उसकी रूह थी। आज भी आता है वो, उस दिनेश ने मुझे कहा कि आज भी आता है ये हमारी दुकान के पास, अगर आप रात तक रुकोगे तो आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी और घटनाएं दिखेगी जिसे आप एक आम जिंदगी के साथ जोड़ नहीं पाओगे। एंड गाइस ये एक सच्ची कहानी है आर्य कॉलोनी में। आर्य कॉलोनी में सिर्फ ये एक अकेली ऐसी कहानी नहीं है, आर्य कॉलोनी में ना जाने ऐसे कितने सारे राज दफन हैं, कितने सारे राज जिसके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपका दिल पूरी तरीके से टहल जाएगा। सो गाइस आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि यस, आर्य कॉलोनी इज द सेकंड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया। आपने जो भी अभी कहानी सुनी है वो सारी कहानी एकदम सच है,
हम लोग ने वो सीधा सीधा जाके इन्हीं लोगों से पूछा है जो कि आर्य कॉलोनी में कई सौ सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, जिनकी फैमिली यहाँ पे कई सालों से है, उनको यहाँ का एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि यहाँ पे जब रास्ते में चला जाता है, अगर आपको अकेला महसूस भी हो रहा है, फिर भी आप यहाँ पे अकेले नहीं रहते, कोई ना कोई आपके आसपास ज़रूर रहता है, बस आपको दिखता नहीं है, क्योंकि वो चीज़ इंसान नहीं होती, सिर्फ एक आत्मा होती है। एक और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे दिन में आ रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शाम को आइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में आ सकते हो, लेकिन आधी रात में बिल्कुल भी नहीं। पहले तो यहाँ पे अंदर आना भी अलाउड नहीं होता था, लेकिन अभी आ सकते हो, लेकिन सतर्क रहिए इस चीज़ से, क्योंकि आप यहाँ पे अकेले रहेंगे, बट स्टिल आप यहाँ पे अकेले नहीं रहेंगे। शुक्रिया।